सीरियल गुमे किसी के प्यार है में सवी के आजोबा का ऑपरेशन चल रहा है और जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ईशान ने ले ली है। हाँ भाई, इस पूरी दुनिया में सवी के लिए ईशान है और ईशान के लिए सवी है। यही नहीं, ईशान तो सवी के लिए हॉस्पिटल में ऑपरेशन के पहले ही मिठाई भी ले आया है, क्योंकि ईशान को है भरोसा कि आजोबा का ऑपरेशन ज़रूर ही सक्सेसफुल जाएगा। और ऐसा होता भी है, ऑपरेशन सक्सेसफुल जाता है, सभी लोग ईशान को लाख लाख धन्यवाद दे रहे होते हैं, लेकिन अपनी सभी मैडम का धन्यवाद देने का तरीका कुछ बिल्कुल ही अलग है। जो दर्शकों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी था, वो लम्हा आने वाला है। सभी भाग के जाकर ईशान के गले लग जाती है और ये देखकर तो चवान फैमिली की आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। ईशान तो बेचारा चौंक ही जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। भरे हॉस्पिटल के सामने सभी उससे यूं गले लगी हुई है जैसे कोई छोटा बच्चा है जिसकी कोई सबसे पसंदीदा चीज़ उसे मिल चुकी है। ईशान सभी को अपने आप से हटाता नहीं है, तभी उसके दोस्त के फ़ोन में लग जा गले गाना भी बजने लगता है, जो कि इस मूवमेंट के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। ईशान खींच के अपने दोस्त को देखता है, उससे गाना बंद करने की रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद सभी ईशान को काफ़ी सारे थैंक यू बोलती है और एक बार फिर ईशान के लिए एहसान मंद हो जाती है। लेकिन जहां अभी दोनों के बीच कभी प्यार के फूल खिलने लगते हैं, तो ठीक कुछ दिनों बाद इनके राहों में कांटे भी बिछ जाते हैं। दरअसल सभी से कुछ ऐसी गलती हो जाने वाली है जिसके बाद ईशान उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाएगा। सभी पता नहीं क्यों मीडिया में ये बोल देगी कि ईशान और उसकी माँ के बीच में गलतफहमियों का कारण अक्का साहब है। और आजकल की मीडिया को तो देखिए, एक माँ बेटे के बीच की गलतफहमी का क्या कारण है, इसकी पूरी कवरेज लेने के लिए मीडिया ईशान के पास पहुँच जाएगी। मीडिया के पास भाई इतना भी फालतू टाइम नहीं होता है। और सभी को तो हमेशा यही लगता है कि जो वो कर रही है वही सही है, और उस पर वो ईशान को जस्टिफाई करने भी पहुंच जाती है कि जो उसने किया है वो ठीक है। और यहाँ रीवा भी अपने नंबर बनाने में लगी हुई है। जहाँ ईशान सभी से नाराज़ हो जाएगा, वहीं रीवा उसी समय आके ईशान को थाम लेगी और ईशान के दिल में जगह